तो चलिए दोस्तों, आपको मैं टूर देता हूँ कि मेरे घर में क्या क्या चीज़ें हैं स्मार्ट, और आप भी अपने घर पे बना सकते हो उनको स्मार्ट, या आप इसकी ट्रेनिंग लेके, इन प्रोडक्ट्स को लेके आप शुरू कर सकते हो एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही दिलचस्प और प्रॉफिटेबल बिजनेस। क्योंकि अभी इस तरह के सॉल्यूशन हर गली, हर चौराहे, या कह लीजिए इवन हर सिटीज़ में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको एक बहुत बड़ा एक मार्केट मिलता है जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जिसको आप प्रमोट करके ग्रो कर सकते हो और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो ऑटोमेशन में, होम ऑटोमेशन में नेक्स्ट चीज़ है कि जैसे मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे रात में जब बाथरूम में घुसें तो वो बिजली का कोई भी चीज़ छुएं या गीले हाथ से। तो ये देखिए, जैसे ही मैं बाथरूम में दाखिल होने को हुआ, ये एक छोटा सा सेंसर है जो मैं आपको दिलवा सकता हूँ, और ये 30 सेकंड्स के लिए लाइट ऑन करता है, लेकिन अगर मैंने फिर से इसके आगे अपना हाथ ऐसे कर दिया तो वो 30 सेकंड फिर से शुरू हो जाते हैं। तो ये देखने में भी बड़ा कॉम्पैक्ट सा है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। तो जैसे कि आपने ये डाइनिंग लाइट मेरी देखी, ये देखिए इसका वेब इंटरफेस है, और मैं इसमें ये लाइट ऑन दिख रही है मुझे, इसको छू दूंगा तो मेरी डाइनिंग लाइट ऑफ हो जाएगी। इसी तरह मैं फ़ैन ऑन करूंगा तो ये मेरा फ़ैन ऑन हो गया। ये देखिए आप स्मार्ट होम के बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। स्मार्ट होम का बिज़नेस करो, मैं धीरे धीरे करके ये पूरा एक नई प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर आप सेव कर लें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे तरीके आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप बिज़नेस से जुड़ना चाहते हो, या इस लॉकडाउन के दौरान आपकी नौकरी पे कुछ काले बादल मंडरा रहे हैं, तो आप एक स्मार्ट बिज़नेस करिए। क्योंकि दोस्तों, आलू, प्याज, टमाटर, इस तरह की चीज़ें तो हर आदमी बेचता है, वो हमारे और आपके जैसे लोगों को बेचने के लिए मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं होगा। तो बेहतर होगा कि ऐसी चीज़ का बिज़नेस करो जो करने वाले अभी कम हैं, थोड़ा सा मेरे साथ सीखो। मैं कोशिश करूँगा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रख दूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग धीरे धीरे मेरे साथ सीखो, मैं आपको चीज़ें भी दिलवा दूँगा विद GST बिल, और आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना। यदि हाँ, आपका बहुत ज़्यादा बजट है, आप चाहते हो अपना ब्रांड खड़ा करना, तो आप मुझको मिलिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको कनेक्ट कर पाऊँ बहुत अच्छे मैन्युफैक्चरर से। आप अपना ब्रांड बनाइए, चाहे कि वो सीलिंग की लाइट हो, स्मार्ट स्विचेस हो, वैक्यूम क्लीनर्स हो, वॉशिंग मशीन हो, जो कुछ भी स्मार्ट टाइप के आपको चाहिए प्रोडक्ट, वो मैं आपको चाइना से बहुत अच्छे रेट्स पे, बहुत लीगल तरीके से आपको दिलवा दूंगा विद बिल, विद पेड इंपोर्ट ड्यूटी की रसीद के साथ। उसको आप बेचिए, अपना ब्रांड एडवर्टाइज करिए और ग्रो करिए, और मेरे इस चैनल को प्रमोट करिए। बदले में बस मुझे आपसे यही चाहिए, टर्न ऑफ ब्लू वॉल लाइट। तो दोस्तों, ये वाली जो मेरी लाइट है इसको मैं ब्लू वॉल लाइट कहता हूँ, क्योंकि ये ब्लू, आपने सुना श्रीमती गूगल देवी ने ये बंद कर दिया। यहाँ पे एक बुद्ध जी का हमारा एक फाउंटेन है जो कि टाइमर से सेट है दोस्तों, इसके हमें बिल्कुल भी ऑन ऑफ नहीं करना पड़ता। ये सुबह चल जाता है, फिर दोपहर में ऑफ हो जाता है खाना खाने के टाइम, क्योंकि उस समय हम लोग टीवी देखते हैं तो पानी की आवाज़ डिस्टर्ब करती है। इसको भी हम गूगल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल ये शेड्यूल्ड है कि ये कितने घंटे चलना है, कितने घंटे बंद रहना है। ओके गूगल, टर्न ऑन फाउंटेन। श्योर, टर्निंग ऑन फाउंटेन। आप देख सकते हो पानी चालू हो गया है, लाइट जल गई है, इसी लाइट से मेरे घर के बाहर की लाइट भी जुड़ी हुई है। टर्न ऑफ फाउंटेन। श्योर, टर्निंग ऑफ फाउंटेन। इसी तरह मैं अपने टीवी को बिना छुए, आप ये देखो मेरे टीवी का रिमोट यहाँ रखा हुआ है, और ये मेरा टाटा स्काई का रिमोट है, और ये मेरा फायर टीवी स्टिक का रिमोट है। मैं किसी भी रिमोट को नहीं छू रहा हूँ, आपके सामने है सारे रिमोट। कुछ लोगों को ये लगता है कि मोबाइल में अगर इंफ्रारेड रिसीवर है तो उसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, तो स्मार्ट, इन चीज़ों को स्मार्ट करने का क्या फ़ायदा। लेकिन दोस्तों, अगर आप फ़ोन से फिजिकली, जो जैसे MI के फ़ोन में बहुत सारे मॉडल में IR ब्लास्टर आता है, वो आप तब यूज़ कर पाओगे जब आप घर में होगे। जो जैसे कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप ग्लोबली कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हो। गूगल हिंदी न्यूज़। स्विचिंग टू NDTV इंडिया। अब आप ये देखिए, अपने आप चैनल का नंबर टाइप हो गया और चैनल चेंज हो गया, तो ये भी ऑटोमेट किया हुआ मैंने। ये कंटिन्यूड कन्वर्सेशन मैंने ऑन कर रखा है, इसलिए वो मेरी बात आगे भी सुन रही है और सोच रही मैं उससे बात कर रहा हूँ। ओके, एक्टिवेटिंग द हिस्ट्री टीवी। ये सब कैसे हो रहा है? ये एक छोटा सा डिवाइस मैंने यहाँ सोफे पर रखा हुआ है, ये IR रिपीटर है,
और ये काफ़ी बिक रहा है इस समय अमेज़ोन पे, लेकिन इसको कॉन्फ़िगर करना और इसको कस्टमर के घर पे डिप्लॉय करना, ये आप सीख जाओगे तो इसमें भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। टर्न ऑफ टीवी लाइट, आप ये देखिए एलेक्सा ने बंद कर दी। इसी तरह का स्विच मेरे हर, कह लीजिए हर कमरे में लगा है, और ये मेरा लैब जैसा कमरा है। मैं एक लाइट और जला देता हूँ, इसके बहुत बुरे हाल हो रखे हैं कमरे के। अभी कुछ काम चल रहा था, कुछ मैं आलस में इसको वो नहीं कर पाया। एक ये बहुत काम की डिवाइस है दोस्तों, इसको तो आपको मेरे ख्याल से अगर आप कोई नया बिज़नेस ढूंढ रहे हो, नई डिवाइस ढूंढ रहे हो, कोई यूनिक चीज़ ढूंढ रहे हो, तो इसका वीडियो आने वाला है। अगर अभी अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बहुत जल्दी इसको आपको बहुत सस्ते रेट्स में दिलाने वाला हूँ, आपका ब्रांड बनवा के दिलवाने वाला हूँ और बहुत ही कम कॉस्ट में दिलवाने वाला हूँ। और ये मैं करीब 2 महीने से मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ और मैंने इसका बैंड बजा रखा है, और मैं आपको इसके डिटेल भी दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मेरा वन प्लस का चार्जर लगा हुआ है और ये एक स्मार्ट प्लग में लगा हुआ है। ये स्मार्ट प्लग मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है कि रात में ये अपने आप ऑफ हो जाए, तो जस्ट इन केस अगर मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगा के इसमें छोड़ देता हूँ तो मुझे ये ख़तरा नहीं कि मेरा चार्जर रात भर उसको चार्ज कर रहा है या क्या कर रहा है। हालाँकि जो अच्छे फ़ोन होते हैं वो ऑफ़ हो जाती है उनकी चार्जिंग। फिर दोस्तों यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इसका भी वीडियो, मैं 2-3 वीडियो, ये जो आपको ये जखीरा दिख रहा है ना, ये है दोस्तों मेरा, ये हैं सारे टॉयज़, इसमें बहुत सारे टॉयज़ हैं, ये पूरी 2 पेटी भर के टॉयज़ हैं। इसका भी एक वीडियो लाने वाला हूँ। यदि आप अमेज़ोन पर दुकान खोलना चाहते हो, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, शेर याद आ रहा है कि ले मेरे तजुर्बों से सबक, ए मेरे रकीब, 2-4 साल उम्र में तुझसे बड़ा हूँ मैं।